बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे मगज। बीफ का मगज लिया है, ठीक है। ये मैंने एक पैन लिया है, इसमें पानी डाला है, मगज धो के इसमें डाला है, ठीक है जी। तकरीबन ये 1.5 लीटर पानी है, इसमें मैंने मगज डाला। अब सबसे पहले मैं इसमें एक टेबल स्पून के लगभग जो है ये मैं इसमें वाइट सिरका डालने लगा, ठीक है जी। ये वाइट सिरका इसमें ऐड कर दिया। अब इसके बाद मैं इसमें एक टी स्पून ये देखिए नमक भी ऐड करने लगा हूँ। नमक ऐड कर दिया। नमक ऐड करने के बाद एक टेबल स्पून इसमें घी ऐड करने लगा हूँ। ये देखिए घी ऐड कर दिया। अब हमने इसको फ्लेम पे रखना है और 15 मिनट के लिए मगज को उबालना है मीडियम फ्लेम पे। फ्लेम ऑन करके पैन को मैंने रख दिया है चूल्हे पे। अब 15 मिनट मीडियम फ्लेम पे इस मगज को उबलने देंगे। 15 मिनट के बाद अगला स्टेप आपसे शेयर करूंगा। 15 मिनट हो चुके हैं जी, हमने मगज को उबाल लिया है और ये देखिए उबलने के साथ साथ ये कितनी अच्छे तरह से साफ भी हो गया है, ठीक है। अब हम ये पानी ड्रेन करेंगे और मगज को एक साफ पानी में एक दफ़ा डालेंगे। चलिए, मैंने एक बाउल ले लिया है, इसमें मैंने साफ पानी डाल दिया है। अब ये पैन से हम मगज निकालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इस तरीके से ये हम एक दफ़ा साफ़ पानी में डाल देंगे और फिर इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे इस तरीके से, और इसके बाद हम इसको निकाल के तो प्लेट में रखते हैं। एक प्लेट ले ली है मैंने, इस तरीके से हम ये इसको ये देखिए ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से ये साफ़ भी कितना हो चुका है। इसमें से खून छून और जो चीज़ होती है वो सारी इसमें से निकल चुकी है, अच्छे से साफ़ हो चुका है। अब हम तैयार करते हैं मसाला। सबसे पहले कढ़ाई लेंगे, उसमें घी डालेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, कढ़ाई ले ली है, उसमें मैंने 175 ग्राम घी डाला है। फ्लेम ऑन है। अब ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने 200 ग्राम प्याज लिया था और इसको साफ़ करके मैंने इसको काट लिया है बारीक बारीक, ठीक है। अब ये 200 ग्राम प्याज जो है मैं इस घी में ऐड करूँगा और इसके बाद इसको सुनहरा करके तो फिर इसमें हम टमाटर ऐड करेंगे। ये टमाटर भी मैंने छिलका उतार के साफ करके काट के रख लिए हैं। टमाटरों का जो वज़न है वो 150 ग्राम है। प्याज जो है वो हल्का सुनहरा हो चुका है। अब इसमें सबसे पहले मसाले ऐड करेंगे। इसमें 1/2 टीस्पून तो है रेड चिली पाउडर, सुर्ख मिर्च पिसी हुई, सबसे पहले वो ऐड की। इसके साथ अगला जो है वो 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ये ऐड करेंगे। इसके बाद इसमें 1/2 टीस्पून काली मिर्च ऐड करेंगे और जो नमक है वो आपने अपने हिसाब से रखना है, हसबे जायका, जितना भी आपको चाहिए। 1 टीस्पून 2 टीस्पून नमक आपने अपने जायके के मुताबिक डालना है। अब इसमें टमाटर ऐड करेंगे और मसाले को आधा मिनट इस तरीके से भूनेंगे, सिर्फ आधा मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। और साथ ही इसमें हम ऐड करेंगे बॉईल किया हुआ मगज। ये मगज ऐड कर दिया हमने और फ्लेम को अब हम मीडियम करेंगे और 2 मिनट, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 मिनट इसकी बनाई करके बिल्कुल फ्लेम को लो कर देंगे। बिल्कुल लो, जो सबसे लो होता है वो रखेंगे फ्लेम और ढकने से ढक के तो इसको 10 मिनट का दम देंगे। फ्राई करने के बाद हमने फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया है और अब इसके ऊपर लिड रखेंगे, ढकना रखेंगे और 10 मिनट के लिए 0 फ्लेम पे इसको छोड़ा। हो चुका है जी, ढकना उठाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह ज़बरदस्त। ये आप देख सकते हैं कैसी खूबसूरत किस्म की इसकी लुक बन चुकी है। अभी इसको हिलाएंगे नहीं, हिलाने से पहले पहले अब इसमें मैं शामिल करूंगा 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी की। ये बहुत लाजवाब किस्म का मगज जायके में बनता है। इस तरीके से रेसिपी को फॉलो करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा। कसूरी मेथी ऐड करने के बाद इसमें पिसा हुआ गर्म मसाला वो भी हम 1/2 टीस्पून, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। इस तरीके से ऐड कर दिया। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत ज़बरदस्त
मसाले का कलर गोल्डन कलर बना है। और अब हम फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ करेंगे और एक से दो मिनट हम इसको भून के तो सर्व करके आपको दिखाते हैं। जी व्यूअर्स, ये आप देखिए माशाल्लाह से एक से दो मिनट हमने इसकी बुनाई कर ली है। अब मैं इसमें ऐड करने लगा हूँ आखिर पे हरा धनिया, हरा पुदीना थोड़ा सा और चार से पांच अदद हरी मिर्च। ये देखिए इस तरीके से इसमें डाल देंगे और एक दफ़ा इन हरे मसालों को भी, फ्लेम को बिल्कुल मैंने लो कर दिया है, और इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, और अब हम इसको फ्लेम से उतार के तो डिश आउट करते हैं। चलिए जी मगध रेडी टू ईट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए मैंने ये बाउल रख लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त और खूबसूरत इसकी लुक बनी है, खाने में भी ये बहुत ज़बरदस्त है। उम्मीद करूँगा आप हमारे मगध की रेसिपी को पसंद करेंगे। रेसिपी पसंद आया करें तो वीडियो को लाजमी लाइक कर दिया करें, और चैनल अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो उसको भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें। आपकी मोहब्बतों के हम मुंतज़िर रहते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में किसी नई और अच्छी रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।